बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने के बाद भी दिल्ली वासियों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। बदलाव प्रकृति का नियम है, दिन रात में बदलते हैं, रातें दिन में बदलती हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थिर नहीं रहती, वो भी बदलाव के लिए घूमती रहती है। चांद अपना आकार बदलता है, मौसम बदलते हैं। बदलाव एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हर कोई गुजरता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया तेजी से हो तो उस बदलाव से महत्वाकांक्षा की बू आने लगती है। सियासत इसी बदलाव का नाम है और नेता बदलने का साक्षात स्वरूप है। आज जो कहा कल उससे पलट गए। राजधानी दिल्ली में भी यही हो रहा है। बदलाव के लिए जनता ने बदलाव का वादा करने वाली पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन वो पार्टी और उसके मुखिया अपने सिद्धांतों वादों पर बदले बदले दिख रहे हैं। महंगाई से दिल्ली को निजात दिलाने का वादा दिल्ली वालों के सामने किया था आपके मुखिया केजरीवाल ने। बाकायदा समझाया था कि महंगाई क्यों बढ़ती है, पेट्रोल के दाम कैसे कम हो सकते हैं, कैसे करप्शन के कारण पेट्रोल पर 70,000 करोड़ का टैक्स सरकार माफ नहीं कर पा रही है। मैं कह रहा हूँ 5% मान लेते हैं, मेरे को पता है कम से कम 5% तो होता होगा। 24 लाख करोड़ का 5% होता है 1.25 लाख करोड़ रुपया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 71 रुपए प्रति लीटर। इस 71 रुपए में से 33 रुपए टैक्स के, 38 रुपए तेल के। पूरे देश में पेट्रोल बेच के सरकार 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है साल में, 70,000 करोड़ का। अगर ये 1.25 लाख करोड़ रुपए बच जाते भ्रष्टाचार के, तो सरकार पेट्रोल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर सकती थी। और अगर 70,000 करोड़ का टैक्स माफ हो जाता तो प्रति लीटर पेट्रोल पे 33 रुपए कम हो जाते, और इसी तरह से प्रति लीटर डीजल पे 16 रुपए कम हो जाते। और अगर पेट्रोल और डीजल के पैसे कम हो जाते तो दूध भी सस्ता हो जाता, सब्जी भी सस्ती हो जाती, दाल भी सस्ती हो जाती, चावल भी सस्ते हो जाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता। केजरीवाल ने तकरीरें दी थी कि खुद टैक्स डिपार्टमेंट में रह चुके हैं तो टैक्स के खेल को अच्छे से समझते हैं। सरकार को चुनौती दी थी कि वो जनता के सामने उनके टैक्स पर बहस करे। सुनिए क्या लाजवाब स्पीच दी थी केजरीवाल ने। अगर सरकार ये सोचे कि मैं जनता को बेवकूफ बना रहा हूँ, तो मैं भी पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, ये टैक्स बड़ा अच्छे से समझ आता है मेरे को, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले किसी को भेज दे, यहाँ पे जनता के सामने बात हो जाएगी। केजरीवाल की तकरीरों पर दिल्ली ने खूब तालियां बजाई थी। तालियों की गूंज से केजरीवाल भी गदगद हुए थे। वही केजरीवाल आज दिल्ली के मुखिया हैं, दिल्ली की सत्ता इनके हाथ में है, जो चाहे कर सकते हैं। टैक्स का खेल तो जानते हैं, इसीलिए केजरीवाल ने अपने बजट में दिल्ली वालों के साथ वैट के टैक्स का खेल खेला, जिसका नतीजा है कि पेट्रोल के दाम 2 रुपए कम होने के बाद भी दिल्ली वाले इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि टैक्स के जानकार केजरीवाल ने दिल्ली में पेट्रोल पर वैट 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। देखिए इस बढ़ोतरी को किस तरह से पार्टी नेता एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी भी पेट्रोल बाकी राज्यों से सस्ता है। दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया गया था और आप लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया था, मैनिफेस्टो में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया था कि दिल्ली राज्य में देश में सबसे कम वैट होगा, पेट्रोल डीजल के दाम देश में सबसे कम दिल्ली में होंगे। ये आपके बाकायदा मैनिफेस्टो का हिस्सा था, दिल्ली डायलॉग कमीशन का ये एक अहम मुद्दा था। बाकायदा आपने जब अभी विधानसभा में पास हुआ था ये वैट बढ़ाया गया था, तो उस दौरान ये कहा गया था कि नहीं इसका वो जो आप इंटरेस्ट पर निकालिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, पारित किया गया था, ये बोला गया था, तो उस समय क्यों झूठ बोला गया, जनता ने कहा कि आपको बढ़ा दिया। देखिए पहली बात तो वैट का कोई भार और बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ा है। आज की तारीख में दिल्ली में डीजल परसों के मुकाबले 50 पैसे सस्ता है। आज दिल्ली में पेट्रोल अभी भी आसपास राज्यों के मुकाबले पेट्रोल की कीमत कम है।
हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि उत्तरी भारत के राज्यों ने इस बारे में फैसला लिया है कि सभी उत्तरी राज्यों में वैट की समान दर हो, जिससे ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके। पहली बात, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है। नॉर्दर्न स्टेट्स के तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर, और उसमें सहमति करीब करीब राजस्थान और यूपी की भी हुई थी कि नॉर्दर्न स्टेट्स का जो वैट का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम डीजल और पेट्रोल के दाम सभी जगह यूनिफॉर्म हो, एक हो, जिससे अननेसेसरी होल्डिंग ना हो, इलीगल मार्केटिंग ना हो और किसी तरह की कोई इलीगल गतिविधि ना हो। श्रीमान आशीष खेतान, आप शायद भूल गए कि केजरीवाल ने जो टैक्स का खेल समझाया था वो उत्तरी राज्यों से बात करके नहीं समझाया था, और वादा करते समय ये नहीं कहा था कि उत्तरी राज्य क्या तय करेंगे, उससे दिल्ली वालों की किस्मत तय होगी। सवाल ये भी उठता है कि अगर चुनाव से पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस तरह की बात करती तो क्या जनता उन्हें वोट देती? एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का नाम दे रहे हैं वैट में इजाफे को। यही वो मैकेनिज्म है जिसे जनता आज तक समझ नहीं पाई है, हमेशा उलझती रही है, एक बार फिर से उलझ गई है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तेल कंपनियों ने पेट्रोल 2 रुपए सस्ता कर दिया है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत को देखें और पेट्रोल की कीमत में दी गई राहत को देखें तो हिसाब कुछ अटपटा लगता है। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में तेल की कीमतें तय इस बात से होती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत क्या है, क्योंकि भारत अपने पेट्रोल और डीजल की जरूरत का काफी बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर बात साल 2009 की करें तो जनवरी 2009 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $41.44 प्रति बैरल थी। तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹40.62 प्रति लीटर थी। सितंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $108.21 प्रति बैरल थी। तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹76.06 प्रति लीटर थी। अगर बात आज की करें तो 15 जुलाई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $51.41 प्रति बैरल थी, जबकि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹66.09 प्रति लीटर, यानी 2009 में $41.44 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत होने पर दिल्ली में पेट्रोल ₹40.62 था, जबकि आज जबकि डॉलर की कीमत $51.41 प्रति बैरल है तो कीमत ₹66.09, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जितनी कम हुई है उसके मुताबिक भारतीय बाजार में तेल की कीमत कम नहीं हुई। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्र राज्य सरकारें भारी टैक्स लगाती हैं। आज से कुछ पहले की बात की जाए तो क्रूड ऑयल $125 के पार था और देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग आज के बराबर थे। तेल की कीमतों के खेल के बारे में पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तरेंजा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान ने। आखिर क्या वो कारण है जब आज से 4-3 साल पहले जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे बेहद ज्यादा थे और ये पेट्रोल के दाम आज की डेट में है 375 या 72 अन्य स्टेटों में, वही दाम आज भी है जबकि सर क्रूड ऑयल के दाम जो है बहुत गिर चुके हैं। देखिए, जो जिस समय तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ज्यादा थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, एक वो समय भी था 140 से ऊपर कीमतें पहुंची थी थोड़े समय के लिए, एक समय वो भी था जब $120 थी, लेकिन जब उस समय आपने देखा जो प्रति लीटर जो पेट्रोल बाजार में मिलता था, खासतौर से पेट्रोल, वो लगभग जो आज के रेट हैं उसके आसपास ही हुआ करता था। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उस समय जो रुपया था डॉलर के मुकाबले उसकी क्या कीमत होती है, क्योंकि जितना भी हम 80% तेल हम आयात करते हैं और वो तेल जो आयात किया जाता है उसका भुगतान सारा डॉलर में होता है, कंपनियों को डॉलर खरीदने पड़ते हैं बाजार में, उस बाजार से बाहर का भुगतान करके वो कच्चा तेल लेकर के आते हैं। उसकी कीमत क्या थी, डॉलर की कीमत कितनी थी, उस समय डॉलर खरीदना जो था आज के मुकाबले में कंपनियों को कितना पैसा देना पड़ता था, ये बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा जो है, उस समय जब कीमतें $120 से ऊपर चली गई थी और यूपीए 2 की यहां सरकार थी भारत के अंदर, उन लोगों ने एकदम जो है एक्साइज कम कर दी थी, कस्टम लगभग जीरो कर दी थी, कई तरह के जो और टैक्सेस लगते हैं उनको हटा दिया था, इसलिए जिससे कि कीमतें नीचे आ सके। आज की स्थिति में बात करूं कि जो क्रूड ऑयल की कीमत है करीब $50 के लगभग है,
पेट्रोल की कीमत सर लेकिन आज भी वही जस की तस है 72 रुपए 73 रुपए अलग अलग स्टेटों में हिसाब से सर ऐसा क्यों लगता है आपको कि उस टाइम पे भी इतनी कीमत थी आपने हालांकि ये बताया कि डॉलर कीमत लेकिन सर आज में और तब में कितना अंतर आ गया क्योंकि सरकार पे ज्यादा टैक्सेस लगा दें इस वजह से पेट्रोल महंगा डीजल महंगा है नहीं अभी अगर आप देख रहे हैं आप एक जब एक लीटर पेट्रोल लेते हैं उसमें जो लगभग उसका जो 45% पैसा जो है वो सरकार के पास चला जाता है कुछ केंद्र सरकार पे जाता है कुछ राज्य सरकार पे जाता है तो लगभग 45% कई राज्यों में 42% पड़ता है कई में 48% पड़ता है डिपेंड करता है कि राज्य सरकार के टैक्सेस कितने हैं अब जबकि तेल सस्ता होने लगा तो सरकार ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए केंद्र सरकार ने भी एक्साइज बढ़ा दी एक नहीं दो तीन दफे बढ़ा दी और अभी दिल्ली में हमने सरकार को देखा उन्होंने अपना वैट बढ़ा दिया हरियाणा ने अपना वैट बढ़ा दिया कई राज्यों ने वैट बढ़ा दिया तो कुल मिलाकर के ये रहता है कि जो तेल है जो आप प्रति लीटर तेल लेते हैं राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें मिलकर के लगभग 45% जो पैसा आप देते हैं वो सरकार पे चला कहीं ना कहीं देश में जो टैक्स का इतना बोझ पड़ता है जनता के ऊपर खासतौर से जो पेट्रोलियम पदार्थ होते चाहे पेट्रोल हो डीजल हो या अन्य पदार्थ हो तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए एक दिन में टैक्स कम नहीं करे जा सकते हैं लेकिन आने वाले कुछ सालों में सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे दिल्ली में या देश में पूरे में जो टैक्सेस का बोझ है पेट्रोलियम पदार्थ पर वो कम हो सके कैमरा मुकेश चंद्र का जितेंद्र चौहान टोटल न्यूज दिल्ली और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।